বার্তা কথায় না কাজে বিশ্বাসী। প্রত্যেক দিনের গুরুত্বপূর্ণ খবর দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল আলিপুর বার্তা, আর নতুন নতুন আপডেট পেতে অবশ্যই বেল আইকনটি প্রেস করুন। বিএসএফ এর ইস্টার্ন রিজিওনালের ডিরেক্টর পঙ্কজ কুমার সিং আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, গরু পাচার কাণ্ডে তাদের অন্তর্নিহিত তদন্তের মাধ্যমে প্রায় 3 জনকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। তার মধ্যে একজন রয়েছেন ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার অফিসার। এছাড়াও প্রায় 6 জনকে এই মর্মে বাইরে ট্রান্সফার করে দেওয়া হয়েছে গরু পাচার চক্রের সাথে যুক্ত থাকার জন্য। তিনি বলেন, কেউ রেহাই পাবে না, এরপরেও যদি আরও কাউকে দেখা যায় যে প্রমাণসহ তাদেরকে ধরা পড়ে, তাদেরকেও যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি জানান। और उसके दौरान उनके पास कई इस प्रकार के नाम भी आए हैं हमारे विभाग एवं अन्य विभागों के भी, जो कुछ कर्मचारीगण इस प्रकार की अवैधानिक गतिविधियों में लिप्त थे, और इस प्रकार पाए जाने पे कुछ को अरेस्ट किया गया है और कुछ को इंटरोगेशन के लिए बुलाया भी गया है। तो वी आर फुल्ली कोऑपरेटिंग विद दीज एजेंसीज ऑल्सो। यदि इनके पास इस तरह के नाम आते हैं, नाम भेजने हैं और अधिक उनके बारे में जानकारी उनको चाहिएगा, तो हम उनको भी मदद करेंगे। और इस प्रकार के जो लोग लिप्त पाए जा रहे हैं हमारे विभाग में, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, आपने कहा ये 2018 में जब जो हुआ था, 2019 में, 2020 में लेफ्ट हो रहा है साउथ बंगाल फ्रंटियर में, आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि आप खुद के अंदर गड़बड़ी था, कोई प्रॉब्लम थी, इसलिए हम लोग ने देख लिया, तो इसलिए ये कैटल स्मगलिंग कम रहा है। इसके ये गड़बड़ क्या था, ये जो आपने कहा ये जो प्रॉब्लम हो रहा था बीएसएफ के अंदर, ये क्या प्रॉब्लम था? ये तो आप खुद ही देख रहे हैं, सीबीआई केस दर्ज कर रही है, तो कुछ न कुछ इसमें लिप्त लोग अवश्य होंगे, और यदि लिप्त थे तो उन्हीं के खिलाफ सीबीआई कार्रवाई कर रही है। उसी और जानकारी और जो अन्वेषण हो रहा है उसके अंतर्गत जब उनको और नाम आ रहे हैं, उनको बुलाया जा रहा है, अभी अन्वेषण हो रहा है, हो सकता है इसमें से कुछ और लिप्त पाए जाए, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो इस प्रकार के जो लिप्त कार्रवाई थी, लिप्त लोग थे, उनके खिलाफ उनकी छटनी भी की गई है, और उनके खिलाफ यदि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने कार्रवाई की तो हमने उनकी मदद भी की है, और हमने अपने स्तर पे भी पता किया है कि जो कुछ लोग इसमें लिप्त थे, पाए जा रहे थे, या उनकी गतिविधियां इस प्रकार से संदिग्ध थी, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करके उनको हटाया गया। सर, दिक्कत कभी नहीं आई है, हमने लोकल लेवल पे पुलिस अधीक्षक महोदय से, जिला मजिस्ट्रेट महोदय से जब भी संपर्क किया है, उनको पूरा समर्थन भी मिला है और पूरा कोऑपरेशन भी मिला है, क्या वो क्रिमिनल एक्टिविटीज का हो, क्या वो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज का भी हो, तो मतलब ये कहीं कोई ऐसे विशेष कोई एकाध इंस्टेंस हो सकता है, बट ओवरऑल कहीं कोई ऐसी, चाहे वो स्टेट लेवल पे भी आप बात करें, मेरी खुद की बात यहाँ के डीजी पुलिस से भी होती है, चीफ सेक्रेटरी से भी होती है, होम सेक्रेटरी से भी होती है, कहीं कोई ऐसी परेशानी की बात कभी भी आई नहीं। सर, एक इलाके में ज्यादा पुलिस या बीएसएफ ज्यादा मुस्तैद हो गई, तो चूंकि उसके स्टेक्स ज्यादा हैं, उसको पैसे ज्यादा चाहिए, उसको कमीशन ज्यादा चाहिए, और चोरी चकारी की आदत लग चुकी है, वो एक अन्य स्थान तलाशता है, तो नेचुरली जब अन्य स्थान जहां भी उसको जो ठीक लगता है वो तलाशता है। और यदि हमारी जानकारी में आता है कि यहां से, कई बार क्या होता है, देखिए बॉर्डर भी पूरा फेंस नहीं है, और हम हां पूरा प्रयास अवश्य करते हैं, बट 24 घंटे हर स्थान को एकदम गार्ड कर देना शायद संभव नहीं हो पाता है, पूरी कोशिश पूरी करते हैं। जैसे आपको बताया 1113 बॉर्डर आउटपोस्ट है ओवर 4000 किलोमीटर, तो ये ओवर रफली एक पोस्ट 4 किलोमीटर पे, तो कभी संभव भी होता है, कभी मैंने आपको बताया फॉग है, कभी बरसात है, कभी बाढ़ है, तो वो अपना प्रयास करते हैं। और यदि हमारी जानकारी में आता है कि इस एरिया से स्मगलिंग ज्यादा के प्रयास हो रहे हैं, ज्यादा इनकी एक्टिविटीज बढ़ रही, तो हम उसको भी प्लग करेंगे। अगर हम साउथ बंगाल कर सकते हैं तो वहां क्यों नहीं कर सकते। सर, टोटल अनफेंस कितना है अभी टोटल ईस्टर्न कमांड में? अनफेंस अभी हमारे पास ईस्टर्न कमांड में 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है, जिसमें फेंस करीब 2800 किलोमीटर में, 1200 किलोमीटर में भी काफी मात्रा में रिवर या वो है, उसके अलावा करीबन लगभग
4,450 फिल कराते हैं। सर हम लोग के इस टाइम में लेजर जो बॉर्डर लेजर बॉर्डर जो स्मार्ट बॉर्डर होने वाला था कितना तक हुआ? नहीं, काफी जगह हमने न केवल लेजर बल्कि और अन्य प्रकार के भी टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस लगाए हैं, और यही हमारा प्रयास है। मतलब लो कॉस्ट बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन डिटेक्शन के, देखिए अगर हम इस तरह का कोई दे दें कि साहब कितने करोड़ लगेगा, तो न तो सरकार के पास इतने पैसे होते हैं, नहीं संभव है। बट यदि हम लो कॉस्ट एंड अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एज पर दैट प्लेस यदि हम करें, तो मेरे ख्याल से कई जगह संभव है, और कई जगह अलग अलग हमारे लोगों ने लो कॉस्ट और इफेक्टिव टेक्नोलॉजी का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है, त्रिपुरा में किया है, दूसरी जगहों पर किया है, तो उसी चीज को रेप्लीकेट करके दूसरे स्थानों पर भी लगाएंगे। क्या बोलो, क्या चाहते हो? मतलब जितने आवश्यक हैं उससे भी कहीं ज्यादा नॉन लीथल के पंप एक्शन गन्स दे रखे हैं, और इसमें भी जो पंप एक्शन गन्स में भी हमने इससे अलावा कुछ स्टन ग्रेनेड जो आवाज ज्यादा करते हैं, चिली ग्रेनेड जो ज्यादा आपको अनकंफर्टेबल करते हैं, डाई मार्कर्स हैं और डॉग्स हैं, इनका भी पूरा इस्तेमाल करते हैं ताकि कहीं भी जहां तक संभव हो किसी प्रकार की जान का नुकसान ना हो, क्या हमारा हो क्या बांग्लादेश, कोशिश करते हैं। पर यदि वो पार्टी भी जो देखती है कि यदि दो आदमी अकेले हैं, अकेले आदमी बीएसएफ का, उसको हम ओवर पावर करके उससे हथियार छीन लें, उसकी कितनी बार, एक बार नहीं कितनी ही बार उन्होंने डंडों से उससे हमारे लोगों को मारा भी है, और जिसके फलस्वरूप मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं, मैं शेयर कर सकता हूं आपसे, जिसमें उनको खून वहा है, कटा है और इस प्रकार की चोट भी लगी है। तो जब इस प्रकार की स्थिति आ जाती है और जब ऐसा लगता है कि शायद वो ओवर पावर करते, तब शायद लीथल पावर का इस्तेमाल करना आवश्यक हो जाता है, और तभी बिल्कुल, ये भी बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस जब होते हैं तभी लीथल पावर का इस्तेमाल किया जाता है। और हाँ, फिर उसमें यदि कोई घटना घटित होती है तो कभी कभी उनको गोली भी। এছাড়াও তাকে যখন প্রশ্ন করা হয় যে 125তম জন্মবর্ষে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু তাকে নিয়ে দুই দেশ বা বিএসএফ এর কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা, সে বিষয়েও তিনি ব্যাখ্যা করেন আমাদের সামনে। শুনুন তিনি কি বলছেন। उनका भी प्रोग्राम है, मतलब पूरे साल का तो नहीं है, पर ये तो चूंकि क्योंकि देखिए हम स्ट्रिक्टली बॉर्डर गार्डिंग फोर्स हैं, इसलिए हमारा, और आपको पता है जैसे वर्तमान स्थिति में हमारे जैसे नेबर्स हैं, एक कम से कम बांग्लादेश एक अच्छा फ्रेंडली नेबर है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो हम बीएसएफ और हमारे काउंटर पार्ट जो बीजीबी है उनके बीच कम से कम एक मैत्री का भाव रहे, और आपको पता है जितना हम मिलते रहेंगे जुलते रहेंगे डायलॉग कंटिन्यू रहेगा उतना एक अंडरस्टैंडिंग पहले से ज्यादा अच्छी होती है। तो हमारा यह प्रयास है, और इसी संदर्भ में और इसी कड़ी में हम पूरे बॉर्डर पे वहां भी बीजेपी के लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, और अल्टीमेटली उन्हीं रैली है जो कि मैत्री रैली है, बट इत्तेफाक से डेट उसके खत्म की उस दिन है जिस दिन बंगबंधु का 101st बर्थ एनिवर्सरी। तो हमारा यह प्रयास है कि बॉर्डर पे हमारी एक मैत्री, एक सद्भाव और एक अच्छा व्यवहार और मैत्री रहे, ताकि लोग आपस में ठीक से रहें और कोई भी बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज हैं तो सॉर्ट आउट करें।